नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेके, और आज मैं जो टॉपिक आपको बताने वाला हूं वह टॉपिक से संबंधित चीजें हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन बायोलॉजी। बायोलॉजी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे, जो कि सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। चलिए दोस्तों, आज के सवाल स्टार्ट करते हैं, और हमारा पहला सवाल है कि समुद्री जीवों द्वारा अधिकांशतः किस रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। सवाल एक बार पुनः सुन लें, समुद्री जीवों द्वारा अधिकांशतः किस रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, और आपके ऑप्शंस है नीला, पीला, नारंगी और हरा। नीला, पीला, नारंगी और हरा, और इसका सही आंसर है नीला। दूसरा सवाल है कि दुर्लभ रक्त समूह बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ऐसा कौन सा एंटीजन पाया जाता है जिससे ना तो यह किसी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है और ना ले सकता है। और आपके ऑप्शंस है ए बी, अ है ए बी, ब है आर एच, स है एच और द है एन एच, और इसका सही जवाब है स एच। हमारा अगला सवाल है कि किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है। किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है, और आपके ऑप्शंस है अल्वा, लेमिनेरिया, कारा, सार्गासम। ऑप्शन से एक बार पुनः सुन लें, अ अल्वा, बी लेमिनेरिया, स कारा और ड सार्गासम, और इसका सही जवाब है ब लेमिनेरिया। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित धुएं में 3/4 मात्रा किस घटक की होती है। ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित धुएं में 3/4 मात्रा किस घटक की होती है, और हमारे ऑप्शंस हैं अ कार्बन डाइऑक्साइड, ब कार्बन मोनोऑक्साइड, स नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ड हाइड्रोकार्बन। आप लोगों ने इसका सही आंसर देख लिया होगा, और इसका सही आंसर है ब कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बॉटनिकल गार्डन, जो कि जीवित पादपों का संग्रह स्थल होता है, का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं है। साज सज्जा, अनुसंधान, शिक्षा या इमारती लकड़ी की प्राप्ति। आपके ऑप्शन जो हैं उनमें पहला है साज सज्जा, ब अनुसंधान, स शिक्षा और द इमारती लकड़ी की प्राप्ति, और इसका सही जवाब है द इमारती लकड़ी की प्राप्ति। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि हरे नारियल में मौजूद सफ़ेद पेय तरल पदार्थ क्या होता है। हरे नारियल में मौजूद सफ़ेद पेय तरल पदार्थ क्या होता है, और आपके ऑप्शंस हैं पहला है भ्रूणपोष, ब है भ्रूणकोश, स है चलेजा और द है न्यूसेलस, और इसका सही जवाब है भ्रूणपोष। नेक्स्ट सवाल है, वह जल जो वर्षा जल के साथ छनकर जल स्तर में भूजल के रूप में एकत्रित हो जाता है क्या कहलाता है। वह जल जो वर्षा जल के साथ छनकर जल स्तर में भूजल के रूप में एकत्रित हो जाता है क्या कहलाता है, और इसका इसके लिए ऑप्शंस है आपका पहला है संयुक्त जल, ब है आर्द्रता जल, स है केशिकी जल और द है गुरुत्वीय जल, और इसका सही ऑप्शंस है गुरुत्वीय जल। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, और आपके ऑप्शंस है अ आर्कियोप्टेरिक्स, ब राइनिया, स नियोपाइलिना, द पेरीपेटस, और इसका सही जवाब है नियोपाइलिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए प्रथम पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए प्रथम पौधे का
नाम क्या है? अ ट्रिटिकेल, ब ट्रिटिकम, स होल्डियम और द ओराइजा। आपके ऑप्शंस हैं अ ट्रिटिकेल, ब ट्रिटिकम, स होल्डियम और द ओराइजा, और इसका सही आंसर है ब ट्रिटिकम। इसका सही आंसर क्या है? ट्रिटिकम इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्रिटिकेल में गेहूं का किसके साथ अंतरजातीय संकरण कराया गया है? ट्रिटिकेल में गेहूं का किसके साथ अंतरजातीय संकरण कराया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं अ जौ, ब राई, स सरसों, द मडुबा। एक बार पुनः ऑप्शन सुने, अ जौ, ब राई, स सरसों, द मडुबा। और इसका सही ऑप्शंस है ब राई। इसका सही ऑप्शंस क्या है? ब राई। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि ईंट के भट्टे से कौन सी ग्रीन हाउस गैस बहुतायत में उत्सर्जित होती है? ईंट के भट्टे से कौन सी ग्रीन हाउस गैस बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है? और आपके ऑप्शंस है अ कार्बन डाइऑक्साइड, ब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, स नाइट्रोजन के ऑक्साइड और द सल्फर के फ्लोराइड। और इसका सही आंसर है द सल्फर के फ्लोराइड। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, ऑन्कोजीन किस रोग का कारक जीन है? ऑन्कोजीन किस रोग का कारक जीन है? और आपके आंसर है अ कैंसर, ब मधुमेह, स गंजापन और द वर्णांधता। और इसका सही आंसर आप लोगों ने खोज लिया होगा। और इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है भाई? इसका सही आंसर है अ कैंसर। आप लोगों के लिए नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस प्राणी के खुर नहीं होते हैं? किस प्राणी के खुर नहीं होते हैं? और आपके ऑप्शन है जेब्रा, गीधड़, गधा और याक। और इसका सही जवाब है ब गीधड़। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन मानव का निकटतम संबंधी है? निम्न में से कौन मानव का निकटतम संबंधी है? और आपके ऑप्शंस है अ गोरिल्ला, ब ओरांगउटान, स चिंपांजी और द गिब्बन। ऑप्शंस हैं गोरिल्ला, ओरांगउटान, चिंपांजी और गिब्बन। और इसका जो सही आंसर है वह है स चिंपांजी। चिंपांजी मानव का निकटतम संबंधी कपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंग को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? किस अंग को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अ हृदय, ब अस्थि मज्जा, स प्लीहा, द यकृत। ये बहुत ही सरल सा सवाल है और इसका जो सही आंसर है वह है स प्लीहा या स्प्लीन। स्प्लीन को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि हमारे शरीर के किस अंग में रिजेनरेशन की क्षमता सबसे कम होती है? मनुष्य के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिनमें रिजेनरेशन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है? और ऑप्शंस है पहला हृदय, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा स्प्लीन और चौथा अग्नाशय। और इसका सही जवाब है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में रिजेनरेशन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि मनुष्य के कितने दांत दूध के दांत कहे जाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं पहला 12, दूसरा 18, तीसरा 20 और चौथा 28। और इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को मालूम है। और इसका सही आंसर है स 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव कोष अर्थात WWF का प्रतीक जीव कौन सा है? और आपके ऑप्शंस है अ गौरैया, ब पांडा, स पेंगुइन और द शेर। हिंट के रूप में जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वही इसका सही आंसर है।
और इसका सही आंसर है ब पांडा, ब पांडा। नेक्स्ट सवाल है, ताजमहल के पीला पड़ने का क्या कारण है? और आपके ऑप्शंस है अ धूल, ब धुआं, स अम्ली वर्षा, द तेज धूप। क्या है भाई इसका ऑप्शंस? इसका सिंपल सा ऑप्शंस है स अम्ली वर्षा। अम्ली वर्षा के कारण यह लगातार पीली पड़ रही है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस स्तनधारी की आंखें सबसे बड़ी होती है? निम्न में से किस स्तनधारी की आंखें सबसे बड़ी होती है? और इसके ऑप्शंस है आपके लिए, पहला ऑप्शंस है हाथी, दूसरा है हिरण, तीसरा है नीलगाय और चौथा है घोड़ा। और इसका सही आंसर होगा हिरण। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हिरण। नेक्स्ट सवाल है कि सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का होता है? और आपके ऑप्शंस है गौरैया, कोयल, हमिंग बर्ड और बुलबुल। आपके ऑप्शंस है गौरैया, कोयल, हमिंग बर्ड और बुलबुल। तो हिंट के रूप में आप जो डायग्राम देख रहे हैं वही डायग्राम इसका सही ऑप्शंस है, और इसका सही ऑप्शंस है स हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट सवाल है कि हमारे शरीर के किस अंग में रिजेनरेशन की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है? हमारे शरीर के किस अंग में रिजेनरेशन की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है? और आपके ऑप्शंस है अ हृदय, ब कर्ण पल्लव, स यकृत, द फेफड़ा। और इसका सही जवाब है यकृत। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी के आदि वातावरण में कौन सी गैस उपस्थित नहीं थी? पृथ्वी के आदि वातावरण में कौन सी गैस उपस्थित नहीं थी? और आपके ऑप्शंस हैं अ हाइड्रोजन, ब ऑक्सीजन, स नाइट्रोजन, द अमोनिया। और इसका सही जवाब है ब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आदि वातावरण में उपस्थित नहीं थी। और आज का हमारा अंतिम सवाल है कि अपनी रासायनिक प्रकृति में रेशम या सिल्क क्या है? अपनी रासायनिक प्रकृति में रेशम या सिल्क क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं पहला काइटिन, ब कार्बोहाइड्रेट, स प्रोटीन और द वसा। अ काइटिन, ब कार्बोहाइड्रेट, स प्रोटीन और द वसा। और इसका सही आंसर है स प्रोटीन।